हेलो फ्रेंड्स, BRO यानी बड़ो रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके लिए रिक्वायरमेंट की अपडेट आया है। और रिक्वायरमेंट जो आया है वो 302 वैकेंसी के लिए। इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके साथ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसके साथ बताना चाहता हूँ, BRO की तरफ से कोई भी अपडेट आया तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करके रखें और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करके रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो वैकेंसी आया है वो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ही वैकेंसी आया है। और इसके साथ जो पोस्ट आपका आया है वो MSW यानी आपका मल्टी स्किल्ड वर्कर की पोस्ट ही आया है। और इसमें आपका दो पोस्ट ही मेनली आया है, जो कि जो मोशन और उसके साथ नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आया। एप्लीकेशन आया था ये जनवरी 2022 में, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसका अपडेट पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, इसलिए मैं आपको भी बता नहीं था। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो वैकेंसी आया है वो 302 वैकेंसी आया है। इसमें आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 18,000 से आपका 56,900 तक ही आपका सैलरी रहने वाला है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जॉब लोकेशन की बात करें तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे ये तो ऑफलाइन फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है वो जनरल OBC और EWS ESM यानी एक सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज़ उनका लगने वाला है। और जो SC ST और PWD है उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। और उसके साथ आपका जो जो इम्पोर्टेंट डेट है यानी आप जो अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका अप्रैल 9 से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट अभी तक अपडेट नहीं आया है। और उसके साथ में उसका जो एलिजिबिलिटी और उसके साथ आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पर एज लिमिट की बात करें तो इस पर आपका 18 से 25 उम्र की आपका एज लिमिट रहने वाला है। और उसके साथ जिस कैंडिडेट की SC ST OBC का कैंडिडेट है तो उनका एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। और इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पर आपका 10th पास आपका रहता है। और उसके साथ आपका जिस भी फील्ड से आप फॉर्म भरे हैं उसी फील्ड का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके साथ वो बता रहे हैं कि आपका जो वैकेंसी आया है MSW का जो मेसन है तो इसमें 147 इस पर वैकेंसी आया है। और इसमें आपका जो AC का जो वैकेंसी है वो 30 और जनरल की 26, ST का 15 और OBC के 56 और EWS की 20 वैकेंसी आया है। जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी आपका आया है 155 और इसमें आपका जो वैकेंसी है जनरल की 56 और AC की 26, ST की 13 और OBC की 44, EWS की 16 वैकेंसी आया है। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन प्लस टू पास के साथ साथ आपका फर्स्ट एड कोर्स आपका होना चाहिए। और उसके साथ नर्सिंग असिस्टेंट की भी जो कोर्स है तो आप इसमें आपका चल जाएगा। और उसके साथ इसमें आपका जो वैकेंसी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है तो इसमें पहले आपका रिटिन होने वाला है और उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है और उसके बाद आपका स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल ही होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहती है। और उसके साथ इसमें आपको PDO भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए देखिए फ्रेंड, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ये है और उसके साथ फुल नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाला हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। BRO के तरफ से कोई भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बनाने के लिए।